हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम 10वीं का मैथ शुरू कर रहे हैं। वास्तविक संख्या पहला चैप्टर का नाम है और आज हम उसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती है ये हमें कल बताया गया था, लेकिन आज जो वास्तविक मैथ के जो एक्सरसाइज से पहले 3-4 पेज दिए हुए हैं उनमें क्या कुछ है और कैसे हमने एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है ना उसके सम हल करने हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हमने जो भी इससे पहले जो कल क्लास डाली थी ना 9वीं की और 10वीं की, दोनों वो मिक्स थे। 10वीं वाले ने वालों ने भी वही क्लास देखनी है और 9वीं वालों ने भी, ठीक है। दोनों का सिलेबस सेम है जो बेसिक का है। और आज हम मैथ को शुरू कर रहे हैं जो 10वीं का मैथ है कि वास्तविक संख्याएं। जैसे मैंने वास्तविक संख्या की परिभाषा कल भी लिखवाई थी और आज भी बता रहा हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या किसको कहते हैं जो p बटे q के रूप में लिखी हो और p तथा q पूर्णांक हो और q का मान 0 नहीं हो, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जो p बटे q के रूप में न लिखी हो, बेशक वो p तथा q पूर्णांक हो और q का मान बेशक 0 हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो p बटे q के रूप में ना हो तो वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। और इन परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। जब इंग्लिश मीडियम बैच शुरू करेंगे तब हम इंग्लिश में बताएंगे, अब हम हिंदी में बताएंगे। और उसके बाद क्या बच्चों, मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कैसे बनी, कहां से आई है, कैसे नंबर आए, कैसे पूर्ण संख्याएं आए, कैसे प्राकृतिक संख्याएं आई, तो वो मैंने संख्या रेखा पर बताया था आपको कैसे कैसे पैदा हुई है ये, ठीक है। और आज हम मैथ को शुरू कर रहे हैं तो प्लीज आप कॉपी पेन लेके, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, यानी कि आपके मोबाइल में फोन जो भी आपके पास टैब है तो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है आप उसमें ही ध्यान रखो और कॉपी पेन लेके साथ ही साथ लिखते रहना आपने, ठीक है। तो हम क्या आप चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, उससे पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें एक बार, ठीक है। तो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप पर जितने आपके नजदीकी हैं यार दोस्त उनके पास भेज दीजिए, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात है, अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो एमएस सक्सेस पॉइंट के जो प्लेलिस्ट है ना उसकी प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ क्लासेस के नाम से ये प्लेलिस्ट का नाम है और इसके अंदर 16 क्लास हैं। इन 16 क्लासों में 5वीं तक का सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है। और गिनतियों से शुरू कर रखा है, कैसे गिनती बनी, क्यों बनी, कितने अंक थे, क्यों हमने अगले अंकों की पहचान, अब अगले अलग अलग अंक बनाते तो हमारे साथ क्या होता, ठीक है, हम पहचान कर पाते या सभी अंकों की सभी संख्याओं की, और नहीं कर पाए तब हमने किन अंकों से कितनी गिनतियां बनाई, जो कुछ भी है सब इन 16 क्लासों में लाभ हानि भी हमने खत्म किया है। और लाभ हानि के बाद अब वर्गमूल आएगा जो हमारा शायद 7th में या 8th क्लास में है, वो हम उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वर्गमूल घनमूल नहीं आता फिर भी तो आप वहां से क्लासेस देख लियो, क्योंकि कोई ऐसा चैप्टर तो रहेगा नहीं जो इन 16 क्लासों में नहीं हुआ, वो इन क्लासों में हो जाएगा 6th से 10th तक, जिसको जो कुछ नहीं आता वो इन क्लासों से भी सीख सकता है, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, क्या कर रहे हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की परिभाषा मैंने बता दी है तो शुरू करते हैं बच्चों। जो इसमें दिया है चैप्टर में वो दिया है यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का, प्रमेय भी बोल सकते हैं, ये दिया है। इसका मतलब क्या है? इसके एक पुस्तक का नाम था यूक्लिड एलिमेंट्स, उसमें से ये निकाला गया था ये नाम, और उसमें से इसका अर्थ हम समझते हैं कि ये क्यों निकाला गया। वैसे हमारा सिंपल फॉर्मूला है ना, हमने शायद तीसरी चौथी क्लास में ये सीखा था, किसी बच्चे को तो अब भी नहीं पता होगा, भाजक गुणा में भागफल, प्लस शेषफल। इसके अंदर एक कंडीशन थी कि जो शेषफल होता है नीचे से लिख लेते हैं कि जीरो के बराबर हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है शेषफल, और शेषफल बड़ा होता है भाजक से, शेषफल भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, भाजक क्या होता है शेषफल से बड़ा होता है। बोलने में थोड़ी गलती होगी, त्रुटि होगी। तो ये फॉर्मूला था ना, यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, समझ लो ठीक है। इसको इस प्रमेय का ने इसको माना ए, भाजक को माना बी, और भागफल को माना क्यू, शेषफल को माना आर, ठीक है। यही कंडीशन हमारी यहां पे लागू होती है, जीरो यहां पे आर छोटा है बी से, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है, क्लियर। इस चिन्ह का वैसे है ना, जो बेसिक क्लासों में मैंने प्रत्येक के चिन्ह बता रखे बच्चों, जो मैथ में हम यूज करते हैं इन चिन्हों का, जो बराबर से लेके कुछ भी हैं, जो चिन्ह जो बेसिक हम यूज करते हैं मैथ में, उनके सभी के प्लस के माइनस के सभी के अर्थ बता रखे हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सा चिन्ह किसका होता है, ठीक है, वो भी देख लीजिए अगर आपको इन चिन्हों का नहीं पता है। ये जिस और इसका मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। अगर इसके नीचे ये लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि जीरो शेषफल जीरो के बराबर भी हो सकता है, ये बराबर का चिन्ह है, और बड़ा भी हो सकता है, शेषफल जीरो से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। कहने का मतलब भाग करने पर शेषफल जीरो भी आ सकता है, जीरो से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन ये पक्का कंडीशन है कि भाजक है ना हमेशा शेषफल से बड़ा रहेगा, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा रहेगा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आएगा, ठीक है, शेषफल हमेशा जो भी आएगा भाजक से छोटा आएगा, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब मैं छोटी सी बात आपको पिछली क्लासों में लेके जा रहा हूं, मान लिया हमारे पास 125 था और हमने 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 2 पे चला शेष 2 बचा, यहां से उतारा 5, 25, तो हमारा शेषफल कितना है, जीरो। हम इस सवाल की जांच करते हैं कि क्या यह सवाल हमारा ठीक है, ये आंसर जो 25 भागफल आया क्या वो सही है। तो हम कैसे करते हैं, ये क्या है, अंदर लिखी रकम को क्या बोलते थे हम, भाज्य, और इसको भाजक बोलते थे क्या, बोलते भी हैं, अब भी बोलते हैं, नीचे जो बचता हमारा शेषफल आता है और ये हमारा भागफल आता है, यही है ना। तो इसका मतलब अगर हम ये निकाल दे तो टोटल इनको गुणा करके जोड़ के, ठीक है, ये निकाल दे तो हमारा सवाल ठीक है। और वो कैसे निकलेगा, इस तरीके से कि भाज्य बराबर भाजक की और भागफल की गुणा कर दे और शेषफल जोड़ दे, भाजक की और भागफल की गुणा कर दे और शेषफल जोड़ दे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा भाज्य प्राप्त हो जाएगा। भाजक कितना, 5
भागफल कितना, गुणा का निशान है इसमें गुणा लगा देंगे, भागफल 25, शेषफल कितना, शेषफल हमने जोड़ना है 25 की और 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा 125, प्लस शेषफल 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 125, और हमारा भाज्य कितना था 125 ही तो था, 125 ही तो था, 125 ही तो है, ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हमारा सम क्या है, ठीक है। और यही हमारा क्या दर्शा रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दर्शा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या दर्शा रहा है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बच्चों इससे पहले आपने ये क्लास जरूरी देखनी है जो मैंने कल डाली है, 9th और 10th की दोनों की इकट्ठी क्लास डाल रखी है मैंने, ठीक है। इस क्लास को देखने के बाद ये वैसे दूसरी क्लास बनेगी, लेकिन जो अपनी इसकी प्लेलिस्ट बनेगी वास्तविक संख्या की वो अलग बनेगी, इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास लगाई है, ठीक है। जो इसकी प्लेलिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी वास्तविक संख्या के नाम से इस पूरे चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बनेगी, और वो क्या है संख्या पद्धति में पहली क्लास है वो आपने देखनी है, ठीक है। यही हमारी क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इस वास्तविक संख्या में हमने क्या यूज करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोल सकते हो, एल्गोरिथम बोल सकते हो, एल्गोरिथम। इसने इसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के 3 चरण दे रखे हैं, आपके मैथ में भी होंगे, और उसमें करते साहब एक एक सम करवाएंगे बच्चों में सक्सेस पॉइंट पर, एक एक एग्जांपल करवाएंगे आपको, बिल्कुल बारीकी से सिलेबस करवाना मकसद नहीं, आपको समझाना मकसद है, ठीक है। इसने बोला सी पहला चरण है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो पहला चरण है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, इसलिए हम ऐसे पूर्णांक क्यू और आर लेते हैं। उसने देखो बच्चों इसमें है ना कहने का मतलब दो पूर्णांक होते हैं जो दिए होते हैं, दो पूर्णांक कौन से हैं, एक तो हमारा भाज्य और एक हमारा भाजक, और वही कंडीशन अगर दो पूर्णांक ए और बी दिए या सी और डी दिए, ए और बी में क्या बनेगी, अगर ए और बी दिया है तो ए इज इक्वल टू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बनेगी ए बी अगर पूर्णांक दिए हैं, अगर सी डी कहीं पूर्णांक दिए तो सी इज इक्वल टू यानी सी बराबर क्या बनेगा डी क्यू प्लस आर, ये क्यू आर यही रहेगी, ठीक है। वही यहां पे हमें जो कंडीशन होती है वो यही होती है, जीरो के बराबर क्या होता है शेषफल हो सकता है या जीरो के बड़ा हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा शेषफल क्या रहेगा छोटा रहेगा। यहां पे क्या बनेगी आर, यहां पे डी, यहां पे क्या बनेगी डी, यहां पर क्या है भाजक डी है और भाज्य सी है, क्या वो भागफल है, आर क्या हमारा आर शेषफल है, ठीक है। यही हमारे क्या है एल्गोरिथम। इसने दूसरे चरण में ये कहा है अगर पहली बार में मान लिया, अब मैं यहां पे 27 लिख दूं और 27 और 4 लिख दिया मैंने, इसका क्या करना, हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका से हल करना 27 और 4 को, तो हम कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम 27 को अंदर लिखेंगे और 4 से हम भाग देंगे, ठीक है। अब 4 छिका 24, इसके बाद कितना बचा 3 बचा, कितना बचा 3 बचा, तो अब हमने क्या किया, यहां पे अगर शेषफल 0 बचता है, मान लिया ये 27 अगर 3 से भाग होता तो 9 पे कट जाता और 27 यहां पे 0 से इस बल बचता,
तो हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए HCF, कहने का मतलब HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और जिसको हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, तो हमारा अगर शेषफल 0 यही आ जाता तो हम महत्तम समापवर्तक इस भाजक को यही बोलते, इस भाजक को कहां बोलते, यहां पर बोलते। अगर यहाँ पे आप देखो 0 नहीं बचा, 3 बचा शेषफल, तो हम जो हमारा भाजक था उसको भाज्य मानेंगे, मान लिया। उसके बाद एक पे चला, फिर उसके बाद एक बचा, फिर इसको भाजक मानेंगे, अंदर ये जो भाजक था इसको भाज्य मानेंगे, एक पिया 3, ईव शेषफल बचा। हमारे कितनी बार में कटाइए, पहली बार यहां पे की, दूसरी यहां पे की, तीसरी यहां पे की, तो हमने लिखनी है जितनी बार भाग करी है हमने उतनी बार ही हमने क्या करनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही कंडीशन लिखेंगे, माना यहां पे लिखेंगे, माना a बराबर 27 और b बराबर कितना 4, जिससे हम भाग दे रहे हैं शुरू में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बराबर प्लस 0, और यहां पे कंडीशन लिखेंगे 0 बड़ा भी और छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, क्या r, और r छोटा होगा भाजक से b से। तो अब हमने क्या करना है, पहले a के नीचे क्या लिखेंगे, 27 सबसे पहले बार जो भाज्य था, उसके बाद b क्या हमारा 4, भागफल क्यों क्या आया 6, तो हम गुणा में 6 करेंगे। अब हमारा r शेषफल कितना बचा था यहां पे 3, ठीक है। उसके बाद हम अगली कंडीशन में क्या माना था, हमने क्या माना था 4, 3 गुणा में 1, 3 भाजक था, 4 भाज्य मानना, 1 भागफल, शेषफल कितना बचा 1। फिर उसके बाद हमने 3 क्या माना भाज्य, 1 हमारा क्या था भाजक, और भागफल कितना आया 3, जमा में कितना शेषफल 0। तो ये हमने हर बार लिखनी है जितनी बार हमारी भाग होगी, और लास्ट में हमारा जो भी कटेगा, जो भी हमारा क्या आएगा भाजक लास्ट में, जो पूरा पूरा काट रहा है वो हमारा क्या होगा HCF होगा, हमारा क्या होगा महत्तम समापवर्तक होगा, महत्तम समापवर्तक मैसर होगा क्या 1, कहने का मतलब 27 और 4 का HCF क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, लेकिन हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ऐसे जरूर दर्शाना होगा, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, अगर हमें कोई भी दो संख्याएं दे रखी हैं जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा चरण बोल रहा है कि वो तो दूसरा चरण तो ये बोल रहा है कि अगर पहली बार में ही 0 शेषफल बचता है तो आप जो पहले भाजक था जिसे हमने भाग दिया है, अगर शेषफल 0 आना देता है भाग करने पर, तो हम उसको क्या बोलेंगे महत्तम समापवर्तक बोलेंगे, लेकिन इसने तो आना है नहीं, इसने दिया है शेषफल 0 भाग करने के बाद, किसने 1 ने, तो हम इसको ही बोलेंगे HCF, किसको बोलेंगे 1 को बोलेंगे, क्लियर। हमने यही है कि जितना शेषफल बचे यहां से पहले में, जितना शेषफल बचे वो अगले में क्या होगा, ये यहां पे भाजक बनेगा, जो शेषफल बचेगा जो भाजक था वो भाज्य बनाना हमने, फिर उसके बाद यहां से जो शेषफल बचता है वो हमें भाजक बनाना है, और जो भाजक था वो हमने भाज्य बनाना है, ऐसे ही हमने चाहे कितनी लंबी होती जाए, कितनी लंबी होती जाए हमने ये भाग विधि HCF की, तो हमने ऐसे ही हल करना है, और हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ऐसे लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद तीसरा चरण क्या है कि इस प्रक्रिया को तब तक करते रहिए जब तक शेषफल 0 न हो, 0 प्राप्त न हो, इसी स्थिति में प्राप्त भाजक की वांछित HCF होगा। इसने जो मैंने बता दिया है, इसने तीसरे चरण में वही बात बताई है, जब तक करते रहिए जब तक शेषफल 0 नहीं आए, और जब भी शेषफल 0 आएगा उसका भाजक, जो शेषफल 0 आएगा उस भाजक ही हमारा क्या होगा HCF होगा, ठीक है। कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक होगा। फिर उसके बाद इसने उदाहरण करते हैं, फर्स्ट उदाहरण है
एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है इस चैप्टर में, वो करते हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं बच्चों, अगर आपको कुछ अजीब अजीब सा लग रहा हो इस क्लास में, तो आप पहले उस क्लास को देखिए जो मैंने कल करवाई है, और संख्या पद्धति नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास जो थंबनेल है ना यूट्यूब पे, जो आपको दिखेगा फोटो सबसे ऊपर ही लगा, उसमें नाइन्थ और टेंथ दोनों लिखा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख के तब ये देखना है, तब आपको ये पता लगेगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो उसमें उस भर की बात ही नहीं है। एक है जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हमने क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि एल्गोरिथम से। तो हम कैसे करेंगे, हमको दिया क्या, सम दिया है 4052 और 12756, ये है ना 576 है, ये दो दिए हैं। तो हम भाग, सबसे बड़ी संख्या को हम क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे, और छोटी को भाजक। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 12576 और यहां पे क्या लिखेंगे, तो हम भाग करके देखेंगे, क्या करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे, और 4 × 3 = 12052। तो हमने 4052 को हम 3 से भाग करके देखते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 12, तो हमारा आया 12156। तो हमारा 3 पे चला है, किस पे चला, 12156। तो हम घटाएंगे कितना आएगा, 6 × 6 = 0, 7 × 5 = 2, 5 × 1 = 4, 2 × 2 = 0, 1 × 1 = 0, हमारा कितना बचा 420। और 420 क्या है, 4052 से क्या छोटा है, 4052 से छोटा है ना 420, तो हमारा सवाल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है कि हम 3 पे सही चला लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अगली कंडीशन में हमारा सिंपल 0 नहीं बचा, तो हम अब इसको क्या मानेंगे, हम इसको भाजक मानेंगे, और जो भाजक था उसको भाज्य, उसको अंदर लिखेंगे। यहाँ पे इस डंडे का जो ये डंडा खींचते हम, ये जो लाइन खींचते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के भाग का चिन्ह बना देंगे, और यहां लिखेंगे 4052। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये कितना है 4052, और ये कितना है, ये कितना है 420। हमें यही पता लग रहा है कि अगर 9 से भी भाग करें तो हम कितना बैठता है, ये 37 और कुछ बैठेगा, क्योंकि 18 यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे 3600, तो इसका ही बैठता, तो 420 9 से गुणा कर रहे हैं, 9 × 2 = 18 काटते हैं, इसीलिए 9 × 36 = 37, 3780। ठीक है, तो अब हम घटाएंगे, किस पे चला था ये 9 पे, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 2 × 0 = 2, अब 15 × 8 = कितने बचेंगे 7, और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 10 था, एक इसने ले लिया, 9 बच गया, 9 × 7 = 2, और यहां से इस पे लेके गया था, यहाँ 3 बच गया था, 3 × 3 = 0। तो अब फिर यही था कि ये 420 272 से बड़ा या छोटा, छोटा है, 272 420 से क्या है छोटा है, और 420 हमारा क्या है बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा सवाल ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको भाजक मानेंगे और इसको भाज्य, 420 यहां पे लिखा, ये कितना 420 और ये 272, अगर हम 2 पे चलाएं तो कितना बैठेगा, ये 500 से ऊपर बैठेगा, और ये 420 है, तो हमें 1 पे चलाएंगे, किस पे चलाएंगे 1 पे, हम 272 ऐसे लिखेंगे, 8 और यहां पे 1 बचा था, इस पे गया 11 बने, 11 × 7 = 4, और यहां 3 × 3 = 148। अब यहां पे हमने 272 लिखा,
272 को 148 आप 296 बनेगा तो एक पे चला, फिर 148 घटा दिया, फिर कितना 12 में से 8 गए 4, और उसके बाद यहां में 6 में से 4 गए 2, और एक 2 में से 1 गया 1, 124 124 फिर 148। अब हम इसकी भाग यहां पे करते हैं, आगे इसकी भाग यहां पे करते हैं 124, और हमारा भागफल बने भाजक भाज्य बनेगा 148 और यहां पे 124, तो 124 को 24 से हम भाग करेंगे 148 को, एक पे चली, तो यहां पे कितना बचा 24 बचा, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, अब हमारा 124 यहां पे लिखा जाएगा। आप देखो किस पे चलेगी, चौबीस पंजे 120, 5 चौका 20 ऐसे 2, 5 10 और 2 12, अब हमारी 5 पे चली 120, अब हमारा 4 बचा, और अब हमारा 100 क्या यहाँ पे 24 लिखा जाएगा, यहाँ पे अब 4 चिका 24, हमारा क्या हुआ पूरा कट गया। तो अब हमारा जो ये पूरा कटा है, अब हम प्रत्येक स्टेप का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का साइड में लिखेंगे। माना ए बराबर कितना 12576 तथा बी बराबर कितना 4052 ये लिया। उसके बाद हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर कंडीशन लिखनी है 0 बराबर भी बड़ा छोटा भी हो सकता है किससे आर से, और आर छोटा होगा बी से। तो अब हमने ये कंडीशन लिखनी है, हमने सबसे पहले माना 12576 को भाग दिया किससे 4052, भाग फल आया हमारा 3, शेष फल आया हमारा 420 ये लिख दिया। फिर उसके बाद अगला लिखना हमने 4052 बराबर 420 गुणा में 9, शेष फल कितना आया उसके बाद आया 272, ठीक है। अब हमारे यहां तक हो गया, अब फिर उसके बाद 420 बराबर 272 गुणा में 1, ये भागफल शेषफल 148। उसके बाद 148 के बाद 272 हो गया, फिर हमारा 124 बना, यहां पे 420 272 को हमने क्या किया, फिर 272 बराबर 148 गुणा में 1 प्लस कितना बचा 124, फिर हमने 148 को मानना, ठीक है 148 बराबर 124 से भाग दिया गुणा में 1, शेषफल कितना बचा 24, शेषफल कितना बचा कुल 24। फिर हमारा अगला क्या था 124 बराबर किससे भाग दिया 24 से, और उसके बाद गुणा में कितना आया 5, 24 5 120 प्लस शेषफल कितना बचा 4। फिर हमारा क्या आया 24 आया, 24 बराबर 4 पे चलाया हमने, और 6 हमारा भागफल आया, और शेषफल हमारा 0 बचा। तो ये जो आया है वो हमारा HCF होगा, क्या आया HCF होगा, ये 4 क्या हमारा HCF है इन दोनों संख्याओं का। तो यहां से लिखना है, अतः HCF इज इक्वल टू कितना 4, HCF कितना आया 4। ऐसे हमने हल करना है, ऐसे क्या करना हमने हल करना है, क्या करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हमने HCF निकालना है, तो हम इस तरीके से हम HCF निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से फिर करता बताता हूं मैं,
अगर हमारे पास दो संख्याएं दी हैं और आपको बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम से आपने क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना, तो बड़ी संख्या को हम भाज्य मानेंगे, छोटी को हम भाजक मानेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा कटता है पहली बार ही, तो हम पहली बार जो भाजक होता है उसी को हम एचसीएफ मानेंगे। अगर नहीं कटता है और जब तक पूरा शेषफल ऐसे जीरो नहीं आता, तब तक हम भाग देते रहेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको भाजक मानेंगे, और जो भाजक था, पहले भाजक था, उसको हम भाज्य मानते रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे शेषफल 420 बचा, भाजक हमारा 4052 था, तो हमने 4052 को भाज्य माना और 420 को हमने शेषफल को भाजक माना। फिर ऐसे ही करके हमने 9 पे चलाया, 272 शेषफल बचा, 420 ये पहले क्या था, 420 क्या था, हमारा भाजक था, अब हमने भाज्य माना है। 472 जो शेषफल इसमें से बचा है हमने क्या किया है, भाग दिया, 1 पे चली, फिर उसके बाद 272 में घटाने के बाद 148 शेषफल बचा, फिर 148 को हमने भाजक माना, और जो हमारा पहले भाजक था उसको भाज्य माना, और ऐसे भाजक मानते 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 ऐसे घटा घटा के जो लास्ट में शेष पर जीरो आता है भाग करने के बाद, वही हमारा एचसीएफ होता है। उसके बाद यहां से हमें एचसीएफ तो पता लगा, लेकिन इसने एक कंडीशन रखी थी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जरूर लिखना है, तो आपने ऐसे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और जहां भी बी का मान जीरो आना, शेषफल जीरो आना देता बी का मान, ये बी का मान ही है, इसी ने तो इस 24 को काटा है ना 6 पर, तभी तो जीरो शेषफल आया, और यही हमारा क्या आचार एचसीएफ है, ठीक है। अब हमने अगला जो एग्जांपल है वो करना है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक ट्यू क्यू के रूप का होता है, अतः तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q+1 के रूप का होता है, जहां क्यू कोई पूर्णांक होता है। तो इस सम को बिल्कुल है ना, ये 2-3 नंबर का पक्का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझना आपने, ठीक है। ऐसा सम ध्यान से समझना, इनमें से 2-3 क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। इसको तो साफ करते हो, इसने बोला सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक, इसको लिखें या ऐसे ही। सेकंड एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक टू क्यू के रूप में होता है, 2Q के रूप का होता है, तथा विषम पूर्णांक हमारा 2Q+1 के रूप का होता है। बच्चों ये एग्जांपल है, ध्यान रखना, कहीं एक्सरसाइज का समझ लो। दूसरा, फर्स्ट मैंने अभी करवाया है, दूसरा है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2Q के रूप का होता है, तथा विषम पूर्णांक हमारा 2Q+1 के रूप का होता है। यहां पर देखो, सबसे ज्यादा जहां तक मानना है शेषफल, इसने बताया कि 1 तक कि 1 भी आया है, और उसको सिद्ध करना कि अगर शेषफल हमारा 1 आए, ये वही तो कंडीशन लिखी है ना, a बराबर bq+r। अगर b को हम 2 मान लें और q हमारा ऐसे का ऐसा, और r हमें 1 मिल जाए, तो ये वही तो है, वही तो कंडीशन है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का। तो हमने क्या लिखना है, हमने सबसे पहले हल में लिखना है माना, माना ए तथा बी हमारे दो पूर्णांक हैं। ये बात लिखते ही उसके बाद हमने क्या लिखना है, जिसमें किसमें इस सम में जिसमें b बराबर क्या माना, दो माना, और r हमने क्या माना, एक माना। r के दो मान है, यहां पे जीरो भी है और वहां पे एक भी है। तो अगर हम जीरो और एक माने, यहां पे जीरो माना और यहां पे एक देख रखा है, ठीक है। अब हमने लिखना है क्योंकि a बराबर b क्यू प्लस r, यहां पे जहां भी लिख सकते हो, जहां a बराबर होता है b क्यू प्लस r, और कंडीशन हमारी क्या होती है, जीरो छोटा भी हो सकता बराबर भी हो सकता r से, और r छोटा होगा हमारा b से, ठीक है। अब हमारी क्या होगी, अब हमें a बराबर क्या माना, 2q, अगर हम जीरो मानते हैं, अगर हमने पहली बार शेषफल जीरो माना तो हमारा क्या आया, a बराबर 2q आया, क्या आया, a बराबर 2q आया, और ये यही आ गया, क्या आया, यही आ गया। अब हम यहां से, अब आप है ना, जो इसमें मैथ में दे रखा होगा वो ये जो मैं बताऊंगा वो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूं, अब बच्चों देखो, अगर मान लिया हमने यहां पे क्यों तीन होता, क्या मान रहा हूं मैं, विषम संख्या, हमने सिद्ध करना है क्या ये सम ही है, या सम ही है ना, सम पूर्णांक है ये दोनों, इनकी अगर खोला जाए, इनका मान दिया जाए तो क्या ये सम मिलेंगे हमको, हमने वो बात सिद्ध करनी है। और दो हमारा भाजक है, दो तो फिक्स है, क्यों के मान रख के हम पता कर सकते हैं। तो अब देखो, और शेषफल कितना हमारा, शेषफल हमारा क्या है, जीरो ही है, हमारा जीरो ही रहेगा, हम ये बात मान के चल रहे हैं। अब दो तिया छ प्लस जीरो शेषफल, तो हमारा छ आएगा, ये क्या है, समी तो है। अब देख लो, इस दो को हम सम से भी कर सकते हैं, ये दो तो फिक्स है, ये दो फिक्स है, अब हम किसी भी संख्या से, छह से कर लो सम से, दो चिकी बारह, फिर कौन सी राशि आई, सम आई। सम संख्या कौन सी होती, जो संख्या दो से पूरी भाग हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सम संख्या। तो ये संख्या दो से पूरी भाग नहीं हो रही, हो रही है, ये संख्या दो से पूरी भाग नहीं हो रही। अगर हम मान लिया कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी संख्या रख के देख ले, यहां पे मैं तो सात रख के देखू, ये विषम संख्या है, मैंने तो सोच लिया कि इसको विषम बना के छोड़ दूंगा, लेकिन यहां पे फिर दो दे रखा है, ये दो नहीं दे रखा है। अगर सात मैंने क्यों का मान लिया, मान के चल लो सात हमने क्यों का मान ले लिया, और क्या आया, क्या आया, दो से हमने गुणा की तो हमारा फिर चौदह आ गया, और चौदह हमारा क्या है, अगर हम शेषफल जीरो जोड़े इसमें, शेषफल पहली बार तो जीरो, सिर्फ यही पद दे रखा है, तो हमारा a बराबर कितना होगा, चौदह ही होगा, ये a का ही तो मान आएगा, चौदह ही आया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा शेषफल जीरो है तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं, और जो मैथ में नहीं लिखा हुआ है, अगर ये क्योंकि लिख लो, क्योंकि दो से किसी, या चाहे दो से चाहे सम की गुणा करें, एक मिनट आप ये लिखो, क्योंकि अगर हम क्यों का मान चाहे
सम ले, सम माने या विषम। दो या दिए गए दो पूर्णांक से दिए गए पूर्णांक दो से गुणा करने पर या ए का मान निकालने पर हमें हर बार, सॉरी ये बार ऐसे आएगा, हर बार सम संख्या प्राप्त हो रही है, सम संख्या मिल रही है, मिल रही है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अपनी भाषा में लिखो बच्चों इस लाइन को, अपनी भाषा में जो तुमको मिला हुआ है मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं। अतः हम कह सकते हैं कि 2q एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है। क्लियर? यहां पे इसका मुद्दा खत्म हो गया कि ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा 2q क्या है, एक सम पूर्णांक है। और इसको हमने इतना निकालने के बाद, मैं दोबारा एक बार फिर कह रहा हूं, वो विषम पूर्णांक हम थोड़ी देर में अब इसके बाद एक बार दोबारा से समझा रहा हूं मैं यहां तक आपको, ठीक है? एक बार ध्यान से देखो, अगर हमको ऐसा कोई सम दे दिया गया, ऐसा कोई सवाल दे दिया और उसको हमने हल करना, तो हम कैसे हल करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको ऐसे जो चर राशियों में दिया हुआ है, इसको आसान करने के लिए पहले आप इसको याद करो, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको ये याद हो गया तो ये भी याद होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ये भागफल और ये शेषफल, ठीक है? क्लियर? अब उसके बाद इसने जहां तक आपके लास्ट में अगर कोई ऐसा पद दे दिया कि उसने 2q प्लस 1 की जगह 2q प्लस 5 दे दिया, ठीक है, एक की जगह पांच ले गया, तो आपने जीरो एक दो तीन चार पांच, पांच तक आपने शेषफल मानना पड़ेगा, पांच तक, क्योंकि लास्ट में कितना दिखा है पांच, तो शेषफल कितना मानना पड़ेगा आपने, पांच तक मानना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये मान निकालना पड़ेगा। अगर हम शेषफल जीरो रखें और क्यू का मान ये आए तो हमने बताना पड़ेगा क्या हो, अगर हमारा जितने भी हमारे सम मान है जीरो आए, शेषफल जीरो दो चार, तो हम क्या कहेंगे उसमें, सम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे, ठीक है? और अगर हमारा शेषफल एक तीन पांच आए, उनको हम विषम संख्याओं में बोलेंगे, और जो हमने अब भी सिद्ध कर दिया है। इतना आपको समझ में आ गया, हमने ऐसे कैसा पद लिखा, सिर्फ आर जोड़ा कि अगर हमारा जीरो शेषफल आए, जीरो के बाद हमें यही पद प्राप्त होता है, ठीक है, शेषफल, क्योंकि अगर जीरो जोड़ेंगे टू क्यू में, हमारा जीरो टू क्यू रहेगा, ठीक है, तो ए बराबर हमारा क्या आया, टू क्यू आ गया। तो हमने बताना है कि ये सम आया या विषम आया, कैसे पता लगाया, वो हमने कैसे पता लगाया है कि अगर हम कुछ भी मान लें, अगर हम इसमें एक एक आठ एक निकालने के लिए दो तो हमें दिया ही है, क्यू का मान अगर विषम माने या सम माने फिर भी ये क्या रहा, सम ही रहा, तो इसका मतलब टू क्यू क्या है, हमारा एक सम पूर्णांक है, टू क्यू क्या हमारा सम पूर्णांक है। अगर हम विषम संख्या तीन से कर रहे हैं या कोई भी विषम संख्या, क्यू का मान अगर 13 लिया, ये भी विषम संख्या है, 17 लिया, 17 2 34, तो हर विषम संख्या से दो से गुणा कर रहे हैं तो हमारे क्या मिल रही है, सम संख्या मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक हमारा सम पूर्णांक है। तो यही हमने क्या लिखा है, यहाँ पे यही लिखा है, अगर क्यू का मान चाहे हम सम लें, इसका दो तो जो जो बी माना था हमने, बी माना दो, ये वाला दो बी है, ये कहीं और से नहीं, ये दो लिया, ये लिया है, ये ही बताया हमने, दो हमने इसको माना बस,
और क्यों का मान हम यहां पे रख के देख लिया हमने कि अगर चाहे हम सम लिखे, क्यों का मान अगर 6 लिखा, सम लिखा और ये 2 है, 2 6 12 है ना। अब 12 लिखा और फिर 2 से कट गया, फिर भी 24 आया, ये भी सम आया और ये भी सम आया, ठीक है। तो अगर चाहे हम वही अपनी जो मुंह जवानी जो हमने यहां पे करके देखा सिर्फ वही लिखा है, क्योंकि अगर हम क्यों का मान सम ले, सम मान के चलना या विषम मान के चलना, तो पूर्णांक हमें 2 से गुणा करने पर कौन सा मिल रहा है, हमें सम ही मिल रहा है। ए का मान कितना मिल रहा, सम मिल रहा है ना, ये कि ए का मान ही तो आता है। अगर ए बराबर हम 2 का मान दिया है और ये हमने विषम मान के चला 17 आया, तो ए बराबर कितना आया, 34 आया, तो ये हमें ए का एक मान मिल रहा है ना 34। तो यही मैंने लिखा, ए का मान निकालने पर हमें हर बार सम सम संख्या मिल रही है, अतः हम कह सकते हैं कि 2Q एक सम पूर्णांक है। यही लिखा जो अपनी भाषा में है वही लिखना, आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमने वो लेना है, उसके बाद हमने 2Q+1 लेना है, ये लेना है 2Q+1 हमारा सम संख्या, ये संपद पूर्णांक तो हमारा सिद्ध हो गया ना, तो हमने क्या करना है, विषम पूर्णांक क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, विषम पूर्णांक है कौन सा, ये नहीं वो वाला, क्योंकि ये तो हमारा सम पूर्णांक आएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पे a बराबर 2Q+1 लिखा, a बराबर 2Q+1 लिखा, लिख दिया, ये तो हमारा सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया ना कि 2Q क्या बना, 2Q हमारा सम संख्या आएगी, चाहे हम इसको क्यों का मान चाहे 0 सॉरी चाहे सम ले चाहे विषम ले। लेकिन अब छोटी सी बात मैं समझा रहा हूं, वो बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान से देखना कि 2 गुणा में क्यों मानना था हमने, जो कि 2 गुणा में 17 मानना, कितना आया 34 आया, 2 गुणा में 13 मानना कितना आया 26 आया, 2 गुणा में कुछ भी सम ला लो, आप यहां पे विषम संख्या ले ली, यहां पे सम ले लो 2 6 12। तो इनमें अगर हमने ये तो ये किसकी इसके मान आए, ये किसके मान है, सिर्फ इसके है ना, ये तो हमने इस जो यहां पे दिया हुआ है 2Q+1 एक को छोड़ के हमने इसका मान निकालना नहीं, हमें निकाल के देखिए तो हमारे ये मान तो आए हुए हैं। अगर हम इन सभी मानों में एक एक रख के देख लें, एक एक जोड़ के, सॉरी यहां पे जुड़ रहा है ना इस मान में, अगर एक एक जोड़ के देखिए, जोड़ लो, यहां पे 35 बन गया, यहां पे 27 बन गया, यहां 12 था यहां पे 13 बन गया, तो हमें क्या मिल रहा है, क्या मिला हमको, कौन सी संख्या मिली, 35 27 13 और ये क्या है सारी, क्या है विषम ही तो है। अगर हम इसको 2 से भाग करके देखें, अगर 13 को हम 2 से भाग करें हो जाएगी 2 6 12 बच गया ना एक शेष पद, तो अगर ये 2 पे भाग नहीं हो रही तो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या। अगर इसको भी भाग करेंगे तो 17 पे कटेगी और एक शेष पद बच जाएगा, इसको 13 पे कटेगी एक शेष पद बच जाएगा 27। तो इसका मतलब सिर्फ हमने ये लिखना है, अगर हम सिर्फ इतनी ही बात लिखनी, ये समझाने के लिए तथ्य दिए गए थे, आपको लिखा गया था, सिर्फ हमने ये इसे अब ये लिखना है, अगर हम अतः a बराबर 2Q+1 हमारी विषम, हमारा लिख लो, हमारा विषम पूर्णांक होगा 2Q+1 किसी सम पूर्णांक में, ये सम पूर्णांक आया था ना हमारा क्यों का मान, ये भी सम पूर्णांक है, किसी सम पूर्णांक में कोई विषम संख्या जोड़ी जाएगी, कोई विषम संख्या जोड़ी जाएगी जाएगी तो
हमें पूर्णांक विषम प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। अतः टू क्यू प्लस एक, टू क्यू प्लस एक हमारा विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ये लिखना बस इतना, ये अब भी मैंने सिर्फ अपने लैंग्वेज में लिखा है, जो तुम्हारी लैंग्वेज है चाहे कैसे भी हो अपनी लैंग्वेज में लिखो जो आपका मन करे, क्योंकि हमने 2q का मान निकाला था। अब देखो यहां पे अगर तीन भी मान लेंगे ना, विषम विषम मान लेंगे, जैसे मैंने यहां पे दो गुणा में 17 कितना है 34 आया, ये किसका मान आया, ये आया 2q का, 2q का मान। अगर इसमें 34 में अगर विषम, ये तो एक ही है, एक एक, एक जोड़ने पर आया, अगर हम तीन तीन जोड़े कितना बना 37, 37 क्या है, ये क्या हमारी विषम संख्या नहीं है, ये भी विषम संख्या है, समझ में आ गई, ये क्या है विषम संख्या है। तो हमने कह दिया, अगर हम क्या कहा हमने कि अतः a बराबर 2q, एक हमारा विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि किसी सम पूर्णांक में ये हमारा क्या है, ये सम पूर्णांक है, यहां से हमने सिद्ध कर दिया कि 2q एक सम पूर्णांक है। पूर्णांक में कोई विषम संख्या जोड़ी जाएगी, अगर हमने विषम संख्या जोड़ी किसमें 2q में, और एक क्या हमारी विषम संख्या है, तीन क्या हमारी विषम संख्या है, तो अगर हम विषम संख्या या एक जोड़ेंगे तो हम हमारा क्या पूर्णांक कौन सा मिलेगा, विषम मिलेगा। किसमें, अगर हम सब संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या मिलेगी, ठीक है। तो 2q प्लस 1 हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है, ये हमारा सिद्ध हो गया, यहां से क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, सिर्फ आपने इतना ही करना है, क्लियर। इस तरीके से कोई भी ये सम करवाएगा नहीं आपको, ठीक है। कॉपी में उतार लीजिए इसको। अब हमारा तीसरा सम, तीसरे में बच्चों हमने क्या करना है, हमने शेषफल क्या मानना है, हमने मानना शेषफल 0 1, तीन तक दिए हुए हैं तो तीन तक मानेंगे, 0 1 2 3, और आपने ऐसे करके मान रख रख के हमने यही लिखना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, हमने जिसके पीछे एक और तीन आए शेषफल जोड़ा जाए एक और तीन, तो हमने वो विषम पूर्णांक मानने हैं, और सिर्फ 2q की जगह हमने 4q लिखना है, 0 की जगह हमने अगर 0 मान लिया है, यहाँ पे उसमें अलग अलग लिखना पड़ेगा कि 0 बराबर, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर फिर उसके बाद आपने अलग अलग दर्शाने हैं, ठीक है। जहां पर r ले 0 ले r, जहां पर 1 ले r का मान, वहां पर 1 लिखना है, ठीक है, करते साफ। तीसरा एग्जाम्पल करवाए या कर लो बे, करवा लेते हैं। ऊपर जो रकम है वो लिखने की टाड़ा करें, इसमें मैं बोल देता हूं रकम को एक बार, कि सिद्ध कीजिए कि, आप लिख लो अगर आपके पास मैथ नहीं है, कि सिद्ध कीजिए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तीसरा उदाहरण है, और 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है, जहां, दोबारा बोल रहा हूं, सिद्ध कीजिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 का होता, के रूप का होता है, 4q+1
तीन के रूप का होता है, जहां क्यू एक पूर्णांक है, जहां क्यू क्या है एक पूर्णांक है, हमने यही सिद्ध करना है। क्या ये विषम पूर्णांक है? जैसे हमने वो सिद्ध किया था वैसे ही हमने इसको सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, माना a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां b बराबर चार लिया गया ये लाइन यहां पे ना लिखो, ये लाइन लिखो यहां पे कि ये माना गया तो दिया है, यहां पे लिखो a बराबर चार क्यू प्लस, एक बार इसने एक दिया और एक बार क्या दिया तीन दिया, तो इसका मतलब हमने तीन तक यहां पे लिखो, माना आर बराबर जीरो एक दो तीन, ठीक है, माना जीरो, माना सॉरी आर बराबर जीरो एक दो तीन लिख दिया। और उसके बाद हमने यहां पे लिखा जीरो, यहां पे क्या लिखा जीरो, और यहां लिखना जीरो इज इक्वल टू आर, और बड़ा भी हो सकता है आर, और आर छोटा है बी से, ठीक है। और इसके यहां इसके यहां लिखना है आर बराबर जीरो लेने पर, लेने पर, और ये कंडीशन यहां भी लिखनी है हमने। चल मैं दोबारा कर रहा हूं, जो जो करना है टोटली बता दूंगा, ठीक है। यहां पे लिखो दोबारा से कर रहा हूं, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा b बराबर चार दिया गया है, तथा b बराबर चार दिया गया है, तो लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां लिखनी है कंडीशन जीरो, बराबर भी हो सकता है आर के और बड़ा आर हो भी सकता है जीरो से, ठीक है, और आर छोटा होगा बी से, ये कंडीशन लिख दी। अब हम यहां पे लिखेंगे माना आर बराबर जीरो एक दो तीन, ये लिख लिया। उसके बाद हमने पहली बार जीरो प्रयोग करना है, ठीक है, तो a बराबर b, सॉरी b का मान कितना है चार, जो दिए गए थे चार क्यू प्लस एक और चार क्यू प्लस तीन, ये दो मान दिए। अगर हमें चार क्यू प्लस जीरो दिया, पहली बार हम शेष पर क्या मानेंगे जीरो, और यहां लिख देंगे आर बराबर जीरो लेने पर, लेने पर आर बराबर जीरो लेने पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पे देखो सिर्फ इसको पता लगाना हमें कि ये क्या होता है, ये एक विषम है या सम है, क्या है, ठीक है।
अगर हमने इसका पता लगा लिया तो हमारा क्या होगा, हम इन तीनों इन दोनों को अपने आप बता देंगे। अब देखो वही सेम बात यहां पे आएगी, क्यों का मान अगर हमने एक बार सम लेके देखो, दो तीन बार लेके देखो, दो ले लिया, छह ले लिया, बारह ले लिया, क्यों का मान यहां पे क्यों का मान ले लो, सात ले लिया, पांच ले लिया, तेरह ले लिया। अब देखो यहां पे क्यों का मान कितना लिया, पहली बार दो, चार गुना में दो कितना बना आठ, फिर उसके बाद छह लेके देख लो, चार गुना में छह चौबीस, फिर बारह कि बारह गुना में चार, बार चौक अड़तालीस, चार गुना में बारह, क्यों का मान लिया हमने प्रत्येक बार क्या आ रहा, सम सम सम, क्यों आ रहा, क्योंकि हमने सम संख्याओं से गुणा किया चार की। अब यहां पे देख लो हमने क्यों का मान सात लेके देखेंगे, विषम संख्या लेके देखेंगे, सात चौक अट्ठाईस, अब पांच ले लो, चार गुना में पांच बीस, तेरह लेके देख लो, चार गुना में तेरह, तेरह चौके बावन, क्या आया, क्या आया हमारा सम आई या विषम आई, ये भी सम, 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 ये भी सम। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी सम संख्या से, अगर हम किसी सम संख्या से विषम संख्या की या सम संख्या की, सम संख्या की या विषम संख्या की गुणा करेंगे तो हमें क्या संख्या प्राप्त हो रही है, सम संख्या प्राप्त हो रही है, और उसमें जीरो जोड़ेंगे, उसमें जीरो जोड़ेंगे तो हमें क्या समी संख्या प्राप्त रहेगी। अगर हमने एक जोड़ा उसके बाद, इसमें एक जोड़ दिया, अट्ठाईस में एक जोड़ दिया, जिस इस पर मानने के बाद, सॉरी यहां से एक से इस पर ले लिया, अब इसको मैं ये देख लू, चार गुणा में क्यों का मान सात ले लिया और जमा में एक कर दिया तो कितना आया, उनतीस, और उनतीस क्या है, विषम संख्या। उसके बाद अगर मैं दो जोड़ू, चार गुणा में सात प्लस दो, सात चौक अट्ठाईस और दो तीस, तो ये क्या है। उसके बाद मैं तीन जोड़ू, चार गुणा में सात जमा में तीन, सात चौक अट्ठाईस और तीन इकतीस, तो क्या आया। जब हमने शेषफल जीरो माना तब हमारी ये बनी, अगर हमने शेषफल एक जोड़ा तो हमारी विषम संख्या बनी, अगर हमने दो जोड़ा तो हमारी सम संख्या बनी, अगर हमने तीन जोड़ा तो हमने क्या बनी, विषम संख्या बनी। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये हमारा संपूर्णांक है, क्या हमारा संपूर्णांक है, तो हमारा क्या है संपूर्णांक है। तो अब हम यही बात यहां पर लिख देंगे और विषम पूर्णांक और संपूर्णांक अलग अलग करते हैं, बस यही करना था हमने। हम वही बात लिखेंगे, अगर हम सम संख्या की किसी सम या विषम संख्या से सम संख्या की जगह हम चार भी लिख सकते हैं, अगर हम चार से या इसके ये लिख लो, अगर हम अगर क्यों का मान विषम लें या सम लें, चार से गुणा करने पर हमें हर बार सम संख्या प्राप्त होती है, इसलिए चार क्यों एक सम पूर्णांक है, सम
पूर्णांक है। अगर क्यू का मान विषम ले या सम ले, चार से गुणा करने पर हर बार हमें सम संख्या प्राप्त होती है, इसलिए चार क्यू एक सम पूर्णांक है। ए बराबर चार क्यू प्लस एक, आर बराबर एक लेने पर ए बराबर चार क्यू प्लस दो, आर बराबर सॉरी दो लेने पर ए बराबर चार क्यू प्लस तीन, आर बराबर तीन लेने पर, यहां पर लेने पर जरूर लिखना, लेने पर ठीक है। इतनी लिखने के बाद आपने लिखना है अगर चार क्यू पूर्णांक में, या पहले पूर्णांक लिख लो फिर चार क्यू, अगर पूर्णांक चार क्यू में हम सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें सम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, सम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, और अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें विषम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। अतः चार क्यू प्लस एक और चार क्यू प्लस तीन विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसमें एक और तीन विषम संख्या जोड़ी गई है, यही इतना करना था। ठीक है, दोबारा एक बार फिर समझे, हमने क्या करना है, ये रकम थी हमारा एग्जांपल था, वो वैसे मैंने बोल दिया उनसे, हल में हमने करना है ये, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है मान के चले हम, उनकी बात बड़ी करी, और उसके बाद हमने ए में हमने क्या मिला, धनात्मक सम पूर्णांक भी मिला है, ठीक है, लेकिन इसकी बात मान के चले तो बी बराबर चार ये दिया है, ठीक है। उसके बाद ए बराबर बी के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखी, ये इसकी शर्त थी वो लिख दी। उसके बाद हमने जहां लास्ट का हमारा शेषफल दिया हुआ है, जो भी पद बनाया है का, वहां तक हम शेषफल लिखेंगे, माना आर जीरो एक दो तीन लिख लिया, इतने बार हम ऐसे भाग करके देखेंगे। यहां पे हमने r बराबर कितना लिया, जीरो, तो a बराबर चार दिया ही था, क्यों ये इसमें ही है। अगर हमने क्यों का मान विषम लिया या सम लिया तो हमें गुणा करने पर क्या मिला, ये पूरा पद हमें सम ही मिला, और सम में अगर सम संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या सम ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हमारा ये सम पूर्णांक है, और इसमें अगर एक एक जोड़ेंगे तो हमारी सम सम संख्या प्राप्त होगी, अगर इसमें दो दो जोड़ेंगे ये वाला उठा के तो हमें सम, अगर जीरो जोड़ा तो हमारी क्या बनेगी, सम संख्या,
एक जोड़ेंगे विषम संख्या, दो जोड़ेंगे तो हमारी फिर क्या बनेगी सम संख्या, तीन जोड़ेंगे फिर हमारी विषम संख्या, ऐसे बनेगी। तो अगर हमने एक और तीन जोड़ा तो विषम संख्या बन रही है, क्यों बन रही, क्योंकि हम सम संख्या में जोड़ रहे हैं, वो बात हमने सिद्ध कर दी है। तो अतः चार क्यों ऐसे लिख के एक बार आर बराबर एक लेने पर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख दिया, एक बार दो लेने पर ये, तीन लेने पर ये, और फिर लिखना है अतः चार के ऊपर प्लस एक और चार के ऊपर प्लस तीन विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसमें एक और तीन विषम संख्या जोड़ी गई है। इतना हमने ये करना था। ये हमारा तीसरा उदाहरण है। कौन सा है? तीसरा उदाहरण है। अब हम चौथा एग्जाम्पल करते हैं। जो उदाहरण चौथा दिया है वो करते हैं। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या आपने उतारना है उतार लीजिए बुक में। ठीक है, करें साफ। लिख लिया ना? बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके सामने ला सकूं। और उसके बाद आप एक काम जरूर डेली कर दिया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करता करो अपने नजदीकियों के पास, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, हर जगह आप शेयर कर दो। ठीक है, आपकी ट्यूशन की फीस आपको फ्री पड़ा है, ट्यूशन की फीस बच रही है ना आपकी, तो इसलिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, अब हमने क्या उदाहरण है फोर्थ। इसने बोला है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, 130 बादाम की बर्फियां हैं, वह उनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है, चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जाएंगी? तो इसमें हमने कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें एचसीएफ निकालना है, और किसके द्वारा निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा निकालना है। तो हम लिखेंगे, हम इसको यूक्लिड विभाजन द्वारा हल करेंगे। तो हमने जो इसमें दो संख्या दी है 420, एक तो एक 130, 420 और 130, तो मैंने बोला था जो बड़ी संख्या उसको भाज्य मानेंगे और छोटी को भाजक। तो 430 हमने यहाँ पे लिया, 130 यहाँ पे, तो हमारे कितने पे चली है? कितने पे चली है? तीन पे चली, 13 × 3 = 39, 390, 0 में से 0 गई, 13 में से 9 गई 4, उसके बाद 130 40 बचा, फिर हमने इसको, ये तो आ गया होगा ना आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो हमने 3 पे चलाया 120, उसके बाद 10 बचे, और फिर हमारा क्या है 40, तो हमारा 4 पे कटा। किसने काटा बच्चों ये पूरा? 10 ने, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 10। और हमने यहां यूक्लिड विभाजन ए बराबर, यहां पे पहले लिखो माना ए बराबर 430 तथा बी बराबर 130, और ए बराबर बी क्यू प्लस आर, शर्त लिख दो 0
आर बी और उसके बाद 430 बराबर 130 गुणा में कितना 3 प्लस शेष फल कितना बचा 40 बचा। उसके बाद 130 बराबर 40 गुणा में 3 शेषफल बचा 10। उसके बाद 40 बराबर 10 गुणा में 4 बराबर प्लस 0 ये हमारी यूक्लिड। और एचसीएफ हमारा कितना आ गया, अगर हमारा एचसीएफ 10 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक लाइन में बोला है ना उसने प्रत्येक ढेरी में जो हमारा एचसीएफ आया उतनी बर्फी रखेंगे, प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जाएंगी। 10 बर्फियां किसकी रखी जाएंगी, काजू की 10 बादाम की बर्फियां रखी जाएंगी। दोबारा समझाएं इसी को, यह समझ में आ गया। देखो हमें दो संख्या दी गई थी, दो संख्या कौन सी है, ये काजू की बर्फियां हैं, उसकी बादाम की बर्फियां हैं, और हमको ये पूछा गया था कि कितनी कितनी बर्फियां रखें कि प्रत्येक पंक्ति में बर्फियां पूरी हो जाएं। ठीक है, ये नहीं लिखा कि किसी की ज्यादा आ रही है, कि बादाम की ज्यादा पंक्तियां बन रही है और काजू की कम बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमने ये लगाना, उसने पूछा कि कितनी कितनी बर्फियां रखें, ठीक है, कि बर्फियां पूरी खत्म हो जाए। तो हमने क्या किया है, हमने इसको भाज्य माना, फिर हमने छोटे को भाजक माना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमने ये ऐसे हल किया जो मैंने आपको सिखा दिया है शुरू में। हल करने के बाद हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को ऐसे लिखना है, लिखने के बाद हमारा एचसीएफ जो लास्ट में बी का मान आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा, और एचसीएफ होगा जितना होगा तो प्रत्येक ढेरी में उतनी ही बर्फियां होंगी। तो इसका मतलब 10-10 हमारी क्या होगी, प्रत्येक ढेरी में बर्फियां रखी जाएंगी। ठीक है, अगला क्या है, अगली बच्चों एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हम कल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये हमारा तरीका और पढ़ाना समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और जय हिंद जय भारत।